जय श्री कृष्णा। आज हमने बनाया है ये शुगर को कंट्रोल करने के लिए ब्राउन पर्ल मिलेट की खिचड़ी। बड़ी टेस्टी है, सबको पसंद आएगी। वैसे तो जरूरी नहीं है कि शुगर के जो पेशेंट है वो ही खाएं, घर में कोई भी खा सकता है। बड़ी अच्छी बनती है, टेस्ट में भी और बनानी भी बिल्कुल आसान है। ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी भी हमारी बिल्कुल ठीक बनी है। तो आइए देखते हैं कि हमें ये कैसे बनानी है और इसके लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। ये मैंने आधा कप ब्राउन टॉप मिलेट भिगो के रख दिया था, और ये मूंग की दाल है 1/3 कप। इन दोनों चीज़ों को मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था, तो कम से कम आधा घंटा भिगोना है। आज मेरी ये दाल थोड़ी ज़्यादा देर भी भीग गई है, तो इसके जैसे छिलके से भी उतरने शुरू हो गए हैं। अब हम इनको अच्छे से रगड़ के साफ कर लेंगे, इनका पानी निकाल देंगे। इसको हम थोड़ा सा ऐसे हाथ से अगर रगड़ेंगे तो इसके ऊपर से इसका पीला पीला सा पानी और थोड़ा सा हल्का हल्का सा छिलका उतरेगा, वो हम उतार देंगे। और बिल्कुल साफ पानी होने के बाद हम इसको अलग रख लेंगे। ये हमने ब्राउन टॉप मिलेट को धो के साफ कर लिया है, इसमें से इतना मैला मैला सा पानी निकला है। ये दाल को भी हमने धो लिया है, इसका जो पानी था मैला निकाल दिया है। और दाल के छिलके हम नहीं निकालेंगे क्योंकि ये रफेज का काम करेंगे। और इसको हम 4 गुना पानी डालेंगे जितनी टोटल हमारी ये दाल है। और ये ब्राउन टॉप मिलेट, ये एक मीडियम साइज का टमाटर काट के ले लिया, छोटी सी एक गाजर काट ली, एक मीडियम साइज का ये प्याज कट कर लिया बारीक बारीक से, थोड़ी सी ये फली है ये कट कर ली हमने बारीक, और थोड़ा सा ये एक मीडियम साइज का आलू था वो कट कर लिया है। ये सब्जी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, और आपके पास जो भी सब्जी हो आप वो ही डाल सकते हैं। और ये आधा इंच अदरक का टुकड़ा और एक छोटी सी हरी मिर्च हमने बारीक कट करके ले ली है। गैस पे हमने पैन रख लिया है और उसमें हमने डाला है देसी घी। 1 सर्विंग स्पून घी हमने डाला है इसमें। घी आप ज़्यादा यूज करना चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। घी गर्म हो गया, इसके अंदर हम आधा छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे, 2 चुटकी हींग डाल देंगे। जीरा तड़क गया है, अब हम इसमें अपने ये प्याज डाल के थोड़े से इनको फ्राई कर लेंगे। फिलहाल प्याज के साथ ही अदरक हरी मिर्च डाल देंगे और इनको थोड़ा सा हिला देंगे। और अब प्याज थोड़े से भुन गए हैं, साथ के साथ इसमें हम अपनी जो भी सब्जी हमने काट के रख रखी है ये सारी सब्जियां ऐड कर देंगे। आलू डाल दिया, गाजर डाल देंगे, ये फली डाल देंगे और ये टमाटर डाल देंगे। इनको अच्छे से हिला के थोड़ा सा नरम होने तक पका लेंगे। साथ के साथ थोड़ा सा हम इसमें स्वाद अनुसार नमक भी डाल देंगे। ये मैंने 1 छोटा चम्मच नमक डाला है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। ये सब्जियां तैयार हो गई हैं, इनमें अब हम और बाकी के मसाले ऐड कर देंगे। धनिया डाल देंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, ये मेरी तीखी वाली लाल मिर्ची है, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। मैंने तो 1/2 चम्मच के आसपास मिर्च डाली है। हल्दी पाउडर डाल देंगे 1/3 टीस्पून के आसपास, 1/4 चम्मच हम इसमें गरम मसाला डालेंगे, 1 टीस्पून हमने धनिया पाउडर डाला है, इन सबको मिला देंगे। ये मसाले हमारे भुन गए हैं, अपने मिलेट डाल दिए हमने, ब्राउन टॉप मिलेट जो ले रखा है, मूंग की दाल इसमें ऐड कर देंगे, और हमने जो पानी ले रखा था वो नाप के ले रखा था, जितने हमारे दाल और ये मिलेट है उससे 4 गुना पानी हमने डाला है। इसको अच्छे से एक बार हिला देंगे, नमक मसाले सब जो मिल जाए इसमें। अब हम इसके ऊपर कुकर का ढक्कन लगा के बंद कर देंगे। कुकर में 1 सीटी आ गई है, अब हम गैस को तो कम कर देंगे और 3 या 4 सीटी आने तक इसको स्लो गैस पे ही कुक होने देंगे। ये कुकर की भाप रिलीज हो गई है, कुकर को खोलेंगे और अपनी खिचड़ी को हम चेक करेंगे। ये हमारी खिचड़ी बिल्कुल से नरम हो गई है, सींच के कुक हो गई है हमारी खिचड़ी। अब हम इसको सर्व करेंगे। ये हमारी इसकी
कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक बनी है, ये देखिए, गर्मा गर्म ब्राउन पर्ल मिलेट तैयार है। थोड़ा सा इसमें घी डाल देंगे, आप ज़्यादा घी खाना चाहे तो घी आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा इसमें हम हरा धनिया डाल देंगे, हरे धनिए से देखने में भी अच्छा लगेगा और हरे धनिए की महक तो ऊपर से जो हम डालते हैं बहुत ही अच्छी होती है। सारे घर में इस खुशबू फैल गई है इस खिचड़ी की मसालों के साथ। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बना के ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो में।